तो फिर किस तरह आप पकौड़ो से तरक्की करना चाहते हैं आप छोले बेच बेच के तो कहते छोलों की इकानमी बनाएंगे आप क्या आप चाहते हैं समोसे बेचना चाहते हैं आप लंदन में और न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन क्या आप करना चाहते हैं डॉक्टर साहब बाइडन साहब की और

नमस्कार दोस्तों जय हिंद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका पहुंचे शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने से पहले पीएम मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की इस दौरान राष्ट्रपति बाइडेन ने खुद पीएम मोदी को वेलकम किया बाइडेन ने पीएम मोदी को पहले गले ऐसी लगाया फिर उनका हाथ पकड़ उन्हें अपने घर के अंदर ले गए दोनों नेताओं के बीच यूस यूक्रेन के संघर्ष सहित कई मुद्दों आरोप चर्चा होने की उम्मीद है डेलोवर्स में स्थित बाइडन के आवास आरोप बैठक के दौरान दोनों नेता स्ट्रेटेजिक रिलेशन को और मजबूत करने के तरीके पर चर्चा करेंगे अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलोविन के अनुसार बायलैटरल बैठक में युद्ध और मोदी के हालिया यूक्रेन यात्रा के प्रमुखता में चर्चा होने की उम्मीद है पीएम मोदी के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन भी मौजूद थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डेलोवर्स पहुँचने के बाद एक्स आरोप एक पोस्ट करते हुए कहा मुझे विश्वास है की दिन भर की चर्चा पृथ्वी को बेहतर बनाने और प्रमुख वैश्विक चुनौतियों ऐसी निपटने में योगदान देगी वही दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी यूएसए पहुंचे जिसका मजाक पाक मीडिया खुद उड़ा रहा है और बोल रहा है कि हमारे शहबाज शरीफ वहाँ क्या करने गए हैं शायद छुट्टियाँ मनाने गए हैं इंडन के बिल्कुल करीब जहाँ पे आप बैठे हैं डेलावेर के अंदर क्वॉड कॉन्फ्रेंस हुई है प्रेसिडेंट बाइडेन जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर मोदी प्राइम मिनिस्टर किशीदा और प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर अल्बाने ऑस्ट्रेलिया को लेके अपने स्कूल चले गए हैं दूसरा तरह साहब पाकिस्तान के वजर खारजा यूनाइटेड नेशंस में नहीं आ रहे मतलब ये तो बहुत बड़ा सेटबैक है आप क्या समझते हैं उनके वजी खारजा को पाकिस्तान के वजर खारजा को ना आना पूरी दुनिया के लीडरशिप से मुलाकातें होती हैं तो इसको आप कैसे देखते हैं हमारे मैं दो चीज़ों का कंपेरिजन हालांकि बनता नहीं है करने की कोशिश करूंगा कि इस वक्त मोदी साहब और भारत क्या कर रहा है और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब लंदन पहुंच चुके हैं अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां बनाने वो दो दिन वहां रहेंगे तीन दिन यहां रहेंगे आ, मैं उस पे बात करना चाहूँ पहुंच चुके हैं वो एयरपोर्ट पे रेंज रोवर्स का एक जुलूस था जिसपे वो एयरपोर्ट से घर पहुंचे हैं और दो दिन अपनी फैमिली के साथ खाबे छाबे खाएंगे वहां से और अपने जो प्रॉपर्टी है उसके देखेंगे किसका छत अच्छा लीक हो रहा है किसका किराया आया है या नहीं आया अब से थोड़ी देर पहले जब मोदी साहब आए तो इंडियन डायस्पोरा ने उनको रिसीव किया लोगों ने हाथ की लिखी हाथ की बनाई हुई पेंटिंग्स उनको दी गई मोदी मोदी नारे लगे उन्होंने ऑटोग्राफ दिए लोगों को हौसला अफजाई की मोदी साहब का एक ट्रेडमार्क है कि जब भी जाते जहां जाते हैं कुछ चीजों को प्रमोट करते हैं एक तो अ, अपने उसको प्रमोट करते हैं अपना फाइनेंशियल सिस्टम है उसको प्रमोट करने की कोशिश करते हैं करंसी को प्रमोट करते हैं वहां पे जो स्टूडेंट होते हैं उनको प्रमोट करते हैं और उसके बाद साइंस और टेक्नोलॉजी पे त्वजो Uh, एक तो uh, दो चीजें एक तो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क रिलेटेड एग्रीमेंट होगा और उसके बाद दूसरा आज जो अभी uh, उस एकेडमी के अंदर स्कूल के अंदर जो होगा इंडिया यूएस ड्रग फ्रेमवर्क ये दो चीजें साइन होंगी बायलैटरल फैक्ट शीट जो है वो भी रिलीज की जाएगी जो बायोलैटरल डिस्कशन होगी उसको रिलीज किया जाएगा इसके बाद uh, जो uh, uh, इसके बाद क्या होगा कल जाएंगे मोदी साहब नासा के अंदर जो एक, एक एक स्टेडियम है उसके अंदर सोलह हजार लोग जो होंगे भारतीय के जो होंगे बल्कि चीमा मैंने बड़े क्लोजली देखा है मेरी खुद का जाने का था आ, आ, वहाँ उस इवेंट में क्योंकि मेरे बहुत ज्यादा दोस्त गए हैं बल्कि आज च, जा चुके हैं आ, लेकिन मैं अपने कुछ मसरूफियात की वजह से नहीं जा सका मुझे ये जरूर है कि मैं पिछली दफा जब पहली दफा मोदी साहब न्यूयॉर्क आए थे तो आई वॉज पार्ट ऑफ द और इट वॉज सच अ वेल ऑर्गेनाइज मेरे पास अभी भी टी शर्ट मैंने उस दो हजार सोलह की संभाल के रखी है जिस पे मोदी साहब की तस्वीर थी uh, मैं अपने कांग्रेसी पप्पू भाईजान और इन्हीं लोगों के सवालों का जवाब देना चाहता हूं बिल्कुल जवाब देना मैं ये कहूंगा मेरे देखने वालों को कि जरा नजदीक नजदीक आ जाए ताकि इनको मैं बता सकूं कि जिस तरीके से मेरे पप्पू भाईजान ने कहा था कि सिख ना पगड़ी पहन सकते हैं ना कड़े पहन सकते हैं ना गुरुद्वारे जा सकते आज भारत के एयर मार्शल जो है नए अपॉइंट किए उनका नाम है अमरप्रीत सिंह वो और मुझे याद है कि अब जो इससे पहले भी एक ध्रुवा साहब थे जो कि इंडियन एयर फोर्स के चीफ थे और जट बरादरी से थे मैं अब काफी प्राइड रखता था कई दफा उनका नाम लेता था कि जट बरादरी इज एन एयर मार्शल तो इन सब लोगों के लिए जो ये समझते हैं खालिस्तान बनाएंगे तो हम ये करेंगे तो वो करेंगे इनके लिए आज जवाब आ गया है कांग्रेस के लिए भी मेरे पप्पू भाईजान के लिए भी कि भारत के नए एयर एयरफोर्स के जो हेड हैं उनका नाम है अमरप्रीत सिंह वो आ जा चुके ना सिर्फ आप 77 साल में शर्मिंदगी है उससे भी पहले शर्मिंदगी है अब मैं जो कल कल भी एक जगह मैंने बात की चीमा साहब के इस वक्त चाइना आपको कह रहा है कि आप मोटर में बनाने के लिए हमारे लोगों की हिफाजत नहीं कर पाए हमारी आर्मी को इजाजत दी जाए कि हम अपने फोर्सेस लेकर पाकिस्तान में जाके आ, अपनी मोटर पैक जो रिमेनिंग चीमा साहब उसके मंसूबे बना सके तो जब मैंने वो खबर पढ़ी तो मेरे पाओ के नीचे से जमीन निकल गई चीमा साहब यही वारदात आपके शाह आलम सेकंड ने 1803 में की थी कि ब्रिटिश लोगों को आर्मी रखने की इजाजत दी फिर उसके बाद उसके बाद आप दोबारा जनाजे ही मोहलों के निकले उसके बाद वहां से क्योंकि सारा दिन डांस देखते थे मुजरे देखते थे सारा दिन तीन तीन सौ औरतें उनके हरम में होती थी सारे शराबी थे सारे जानवी थे जिस तरह आपको पता ही चीमा साहब अठारह सौ अठवंजा में वो सिलसिला खत्म हुआ तो ब्रिटिश क्राउन जो है उसने टेक ओवर किया था लेकिन एक बात आपको मैं जरूर बताना चाहूंगा यहाँ पे आपके देखने वालों को जहांगीर ने इजाजत दी जहांगीर ने इजाजत दी थी सूरत से जब ब्रिटिश लैंड किए थे सोलह सो थर्टीन में लेकिन सूरत के लोगों ने दुनिया से अपना इन्हीं लोगों से जिन्होंने भारत को कॉलोनी बनाया था उन्होंने अपना पतला ले लिया है अडानी अबानी भी वही है मोदी भी वही है गांधी भी वहीं से थे जना साहब भी वही थे वहीं से गुजराती थे लेकिन मेरा वतन अजीज जो है वो आज भी ब्रिटिश कॉलोनी है किसी के मुंह से आर्टिफिश इंटेलिजेंस या क्वांटम कंप्यूटिंग और सेमाई कंडक्टर के स्पेलिंग किसी आपके प्राइम मिनिस्टर को आते हैं तो फिर किस तरह आप पकौड़ों से तरक्की करना चाहते हैं आप छोले बेच बेच के तो कहते छोलों की बनाएंगे आप क्या और की पे किसी जगह मुलाकात तो हो रही है ताट साहब इतने तो रेलिवेंट हैं हम ठीक है इंडिया बड़ा मुल्क है डेढ़ अरब की आबादी है उनके वो चाइना को काउंटर करना चाहते हैं हम आप चाइना आप दुनिया को क्या ऑफर कर सकते हैं कोई एक प्रोडक्ट मुझे बता दे